क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व, सिर्फ सॉल्व लिखा है आपको, आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? dy by dx होना चाहिए, है dy by dx, एंड उसके साथ y का सिंगल टर्म होना चाहिए, y का सिर्फ y होना चाहिए, तो सिर्फ y, और रेस्ट ऑफ द इक्वेशन वो x में होना चाहिए। तो ये dy by dx ये y का टर्म है और रेस्ट ऑफ द इक्वेशन कैसा है? x में। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे 1 होना चाहिए, और जो कि यहाँ पे क्या है, 1 प्लस x है, वो 1 प्लस x निकालना आपको। तो आप लोग क्या करोगे, स्टेप वन डिवाइड बाय 1 प्लस x, उससे डिवाइड करोगे। तो इक्वेशन क्या है, 1 प्लस x dy by dx माइनस y इज इक्वल टू e रेज टू 3x 1 प्लस x द होल स्क्वायर, राइट? और आप डिवाइड किससे करोगे, 1 प्लस x है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 1 प्लस x डिवाइड बाय 1 प्लस x डिवाइड बाय 1 प्लस x। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये 1 प्लस x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस x का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और ये सिंगल टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे dy by dx माइनस y अपॉन 1 प्लस x is equal to e raised to 3x into 1 plus x। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म। चेक करो dy by dx है, तो अभी कंपेयर करो। सो कंपेयर करोगे तो आपको p मिलेगा एंड q मिलेगा। p क्या होगा, dy by dx माइनस y, यहाँ पे ये y, तो p, तो y छोड़ के जो बचा है वो p, तो क्या बच गया, 1 अपॉन 1 प्लस x, लेकिन आपको यहाँ पे माइनस सिंबल लेना, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस होना चाहिए, यहाँ पे है माइनस, हो गया p। देन q का वैल्यू क्या, देखो राइट हैंड साइड e रेज टू 3x इंटू 1 प्लस x, कंपेयर किया आपने, हो गया स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे आप लोग, if फाइंड करोगे, स्टेप 2 इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू p dx। सो इंटीग्रेशन फैक्टर e रेज टू p के जगह पे है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस x का। देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x क्या होता है, log x होता है, क्या होता है, log x। तो आप लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x भी क्या होगा, log x होगा, क्या होगा, 1 प्लस x log 1 प्लस x होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 है तो वो log में चला जाता है, अगर पावर 2 रहेगा तो दूसरा फॉर्मूला है, लेकिन x प्लस 1 था, x माइनस 1 रहेगा, जो भी रहेगा तो log में लेंगे हम लोग। सो हियर if इज इक्वल टू e रेज टू, ये माइनस बाहर रखता हूं मैं, क्या बच गया, log 1 प्लस x, ठीक है, log कैंसिल होता है, लेकिन ये माइनस प्रॉब्लम दे रहा है आपको, ये माइनस है इसलिए कैंसिल नहीं कर पा रहा। तो लॉगरिथम का रूल है, अगर कोई भी टर्म लॉग में इनटू में रहेगा तो वो कहां पे चला जाता है, इनटू में रहेगा तो वो रेस्ट में शिफ्ट होता है, कहां पे शिफ्ट होता है, रेस्ट में। तो यहाँ पे नंबर है माइनस वन, क्या है वो, माइनस वन, और वो हटा देंगे हम लोग क्योंकि मुझे वो कैंसिल करना था। तो ई लॉग 1 प्लस एक्स रेस्ट टू माइनस वन, अभी देखो ये ई एन लॉग गेट कैंसल, यहाँ पे ई एन लॉग गेट कैंसल, ये माइनस की वजह से कैंसिल नहीं कर पा रहा था मैं, तो माइनस वन को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये लॉग है, ये लॉग है, यहाँ पे माइनस है मतलब माइनस वन है, तो यहाँ पे रेस्टो में शिफ्ट किया, तो ई एन लॉग गेट कैंसल, तो बचा क्या एक्चुअली, आई एफ इज इक्वल टू ई एन लॉग कैंसल, तो 1 प्लस एक्स रेस्टो माइनस वन, मतलब ये इनवर्स हो गया, तो आई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये मिल गया आपको आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर। वो मिलने के बाद आप लोग क्या करोगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फॉर्मूला है वाई आई एफ, देखो आप लिखा मैंने वाई आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y into integration factor क्या मिला आपको, 1 upon 1 plus x integration of q, q का term क्या है, यहाँ पे लिखो, देखो e raised to 3x into 1 plus x into integration factor क्या मिला आपको,
वन अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही रहेगा, वाई इंटू वन वाई होगा अपॉन वन प्लस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे जरा चेक करो ये ई रेज टू थ्री एक्स वैसे रहेगा, ये वन प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा ना न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो बचा क्या ई रेज टू थ्री एक्स डी एक्स प्लस सी, और ई रेज ये सेम ई रेज टू थ्री एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेज टू थ्री एक्स अपॉन इसका डेरिवेटिव नीचे लिखो तो थ्री प्लस सी, ये हो गया उसका सोल्यूशन खत्म। ओके तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं प्रैक्टिस के लिए, फॉर अ प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर एट, ये सेम क्वेश्चन है, सॉल्व वन प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई ई रेज टू एक्स वन प्लस एक्स द होल स्क्वायर, तो सेम सॉल्यूशन रहेगा, यहाँ पे सिर्फ ई रेज टू एक्स आएगा, तो ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ई रेज टू एक्स ही रहेगा, सेम आंसर रहेगा आपका। एंड एक नाइन्थ क्वेश्चन और एक देता हूं मैं यहाँ पे, सो हियर डीवाई बाई डी एक्स, हियर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सॉल्व। So, इसमें आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, p का वैल्यू होगा 1 बाय x, q का वैल्यू होगा x स्क्वायर, आपको इसको सॉल्व करना है। तो दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिया और सेवन क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके लिया। चलो लिखो।